हवा बोले, ऑक्सीजन बोले, लेकिन ऑक्सीजन तुम्हें देने वाला, प्राण शक्ति देने वाला ये वृक्ष ही है। और जो प्राण शक्ति को दे सकता है वही तो परमात्मा और ईश्वर का साक्षात स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। इसीलिए और एक देखना, प्राण शक्ति का संचार भी कर रहा है और वही वृक्ष जीवन शक्ति को धारण कर रहा है, वही मिट्टी को पकड़े हुए है और वही जो है वो जल का संग्रहण भी कर रहा है। तीन काम एक साथ कर रहा है, वायु, जल और मिट्टी, इन तीनों के साथ हमारा गहरा संबंध है। बिना वायु के संभव नहीं जीवन, बिना जल के संभव नहीं, बिना मिट्टी के संभव नहीं। जल, मिट्टी, हवा, ये तीनों का सिर्फ एक, वो है पेड़, वो है वृक्ष, वो है पहाड़। गुरु गोविंद ने बोल दिया ये हमारा स्वरूप है।